मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित विल्सोनिया स्कूल में 3 दिवसीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का समापन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। बालक वर्ग में आरआर के स्कूल की टीम प्रथम रही तो वहीं बालिका वर्ग में रुद्रपुर की टीम प्रथम रही। चैंपियनशिप की ट्रॉफी आरआर के स्कूल को मिली। सभी विजेता प्रतिभागियों को विल्सोनिया स्कूल के डायरेक्टर श्रीन संतराम ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। स्कूल प्रशासन का यह कहना है कि खेलों को बढ़ावा देने के साथ साथ विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए हर वर्ष ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार स्कूल स्तर से बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं और बच्चों को खेल प्रतियोगिताओं में आगे बढ़ाने के लिए भी समय समय पर खेल प्रतियोगिताएं शहर के अनेक स्कूलों में आयोजित की जा रही हैं। मुरादाबाद के दिल्ली रोड पाकबड़ा स्थित विल्सोनिया स्कॉलर होम में 3 दिवसीय विल्सोनिया गोल्डन जुबली वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कराया गया। 3 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में मुरादाबाद जनपद के अलावा अन्य जनपदों के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में बालक वर्ग में आरआर के स्कूल प्रथम रहा तो वहीं बालिका वर्ग में आरएएन पब्लिक स्कूल रुद्रपुर प्रथम रहा। चैंपियन ट्रॉफी आरआर के स्कूल को दी गई। इस मौके पर स्कूल की डायरेक्टर श्रीन संतराम ने सभी को बधाई दी और पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन व संयोजन विद्यालय के प्रधानाचार्य श्वेतांगना संतराम द्वारा किया गया। इस मौके पर सभी बच्चों को स्मृति चिन्ह के साथ मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विल्सोनिया स्कूल की डायरेक्टर श्रीन संतराम ने कहा है कि बच्चों की प्रतिभाएं देखने लायक हैं। समय समय पर ऐसी प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए जिससे पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल प्रतियोगिताओं में भी आगे बढ़ाया जाए। Joyful and aspiring. Everyone comes here with the hope that we will win. Har har maidan fateh. But har insaan ko fateh kar nahi sakta hai. But whoever has won, I congratulate you. I always say that for every student, games, physical education is a very, very, very important road, a very important part. Because it's only the games which teach you to accept challenges, to go ahead in life, to receive and accept the failures when necessary. And failure does not mean that you give up. Failure means that you want to do better in the future, aspire for greater heights. Teamwork, practice, focus, all these things make a better student. And therefore I keep repeating the same sentence, a healthy mind can only give, a healthy body can only give a healthy mind. And that is why games not only teach you to run around on the field, but it also teaches you to be a better student, a better pupil, a successful person, and to achieve great goals in life. सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए कार्यक्रम की संयोजिका व विल्सोनिया स्कॉलर होम की प्रधानाचार्य श्वेतांगना संतराम ने सभी को बधाई दी है और ये कहा है कि भविष्य में ऐसी प्रतियोगिताएं और भी आयोजित की जाएंगी। आज विल्सोनिया स्कॉलर्स होम पाकबड़ा में हमारे 4th सीजन ऑफ विल्सोनिया गोल्डन जुबली चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल डे था, क्लोजिंग सेरेमनी एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। बॉयज़ में हमारे जो चैम्पियंस रहे हैं इस साल के वो है आरआर के, एंड गर्ल्स में आरएएन पब्लिक स्कूल रुद्रपुर, एंड उन्होंने पहली बार पार्टिसिपेट करा था एंड इट वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा मैचेस हुए थे सारे। चैम्पियंस ऑफ चैम्पियन ट्रॉफी जो हमने इस साल से इंट्रोड्यूस करी है वो पॉइंट्स पे थी एंड वो उसके विनर आरआर के स्कूल रहे हैं। ऑलमोस्ट 37 टीम्स थी, अबाउट 21 फॉर बॉयज़ एंड 16 गर्ल्स की टीम्स थी। इतनी गर्मी के बाद कैसा उत्साह दिखा गया बच्चों के? बच्चों में तो बहुत उत्साह था क्योंकि जो बच्चे खेलते हैं मेरे ख्याल से वो जो खिलाड़ी बच्चे हैं उनको मुझे लगता है गर्मी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनका स्टैमिना। और आज एक्चुअली इन 3 दिनों में हमें पता चला है कि किन बच्चों के अंदर कितनी एंड्योरेंस है, एंड दैट इज़ वाई द बेस्ट टीम्स हैव वन।
इस टूर्नामेंट का उद्देश्य हमारा हर साल से यही रहा है कि सारे स्टूडेंट फ्रटर्निटी आपस में मिले और कंपटीशन के थ्रू एक डिसिप्लिन सीखें और एक मेलजोल बढ़े बच्चों के बीच में। जी हाँ, ये हमारा कंटिन्यूस ट्रॉफी है, तो ये हमारा हर साल चलेगा। इफ़ गॉड विलिंग नेक्स्ट ईयर फिफ्थ सीजन लेकर हम आएंगे।